दोस्तों हर सेलर चाहता है कि उसके पास अमेजॉन चॉइस का टैग आए, बट हर सेलर को अमेजॉन चॉइस का टैग नहीं मिल पाता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में यही देखने वाले हैं कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपको भी अमेजॉन चॉइस का टैग मिले। और जब भी आपके प्रोडक्ट पे अमेजॉन चॉइस का टैग आता है तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो आपके पास मेंटेन रहे, क्योंकि अमेजॉन चॉइस के टैग को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो आपके पास से चला जाएगा। और जब भी अमेजॉन चॉइस में कोई भी प्रोडक्ट जाता है तब उसका बहुत ही अच्छा सेल आता है। अमेजॉन चॉइस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बिकते हैं, स्पेशली अगर मैं amazon.in की बात करूं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है ताकि आपके प्रोडक्ट भी अमेजॉन चॉइस का टैग आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सब एक स्लो प्रोसेस होता है। आपके प्रोडक्ट पे अमेजॉन चॉइस का टैग इंस्टेंटली नहीं आता है, वो धीरे 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 आता है, तो आपको इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड की। अगर आपको अमेजॉन चॉइस का टैग लेना है तो आपको आपके प्रोडक्ट पे एग्जैक्ट और परफेक्ट कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपके होते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज है, तो अपने प्रोडक्ट पे बहुत ही अच्छे कीवर्ड डालिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे कैसे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और क्या क्या टूल्स रहते हैं जिनसे आप कीवर्ड्स ले सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको एक सिंपल सी एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सिंपली एक पेन बेच रहे हो तो आपको पेंसिल के कीवर्ड्स नहीं डालने हैं। दूसरा, आपके प्रोडक्ट पे अच्छी कस्टमर रेटिंग्स होनी चाहिए। 3.5 प्लस की जो भी रेटिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है, तो अपने प्रोडक्ट पे हमेशा अच्छी सी रेटिंग मेंटेन कीजिए। थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट इसमें रहता है पॉइंट, वो है आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी अपने प्रोडक्ट का एक सही और वाजिब प्राइस सेट करें, जो कि ना तो काफी ज्यादा है और ना काफी कम होनी चाहिए। एक ऐसी प्राइस सेट कीजिए जिसमें आपका भी फायदा हो रहा है और कस्टमर का भी फायदा हो रहा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके प्रोडक्ट पे काफी अच्छे रिव्यूज होने चाहिए। जो कस्टमर रिव्यूज डालते हैं आपके प्रोडक्ट पे वो पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर नेगेटिव रिव्यूज भी डालते हैं, बट जो पॉजिटिव रिव्यू है वो अच्छे होने चाहिए और ज्यादा होने चाहिए, और नेगेटिव रिव्यूज है वो कम होने चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट जो अमेजॉन चॉइस है उस टैग के लिए एलिजिबल हो जाएगा। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके प्रोडक्ट प्राइम एलिजिबल होने चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट अमेजॉन प्राइम में है उसी पे अमेजॉन चॉइस का टैग मिलेगा। तो प्राइम का टैग आप दो टाइप से ले सकते हैं, या तो आप अमेजॉन का FBA मॉडल ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो इजी शिप प्राइम होता है, अगर आप खुद से सेट करना चाहते हो तो जो इजी शिप प्राइम का ऑप्शन रहता है वो आप ले सकते हो, इससे आपका प्रोडक्ट प्राइम में चला जाएगा। तो ये दो मॉडल होते हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अमेजॉन चॉइस टैग को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपके जिस प्रोडक्ट पे अमेजॉन चॉइस का टैग लगा हुआ है उस प्रोडक्ट को कभी भी जीरो या फिर आउट ऑफ स्टॉक मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आपका वो प्रोडक्ट जीरो या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो उस पे जो अमेजॉन चॉइस का टैग लगा हुआ है वो हट जाएगा और उसको वापस लाना काफी मुश्किल होता है। दूसरा, आपके प्रोडक्ट पे किसी भी कस्टमर का फीडबैक, क्वेरी या फिर रिव्यू आ रहा है तो उस पे टाइमली रिप्लाई कीजिए, उसको रेस्पॉन्ड कीजिए, इससे आपका अमेजॉन चॉइस का जो टैग है वो बना रहेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने प्रोडक्ट और लिस्टिंग की क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव कीजिए, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए ताकि आपके प्रोडक्ट पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आए, और जब भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अमेजॉन चॉइस टैग में मेंटेन रहेगा। तो ये होते हैं कुछ बेसिक से प्रिंसिपल जिससे आपका अमेजॉन चॉइस का टैग बना रहता है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।